हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की एग्जाम होने वाली शिफ्ट की हो चुकी है और आगामी शिक्षक और शिक्षिका बाहर निकल जा रहे हैं, उनसे लाइव ले लेते हैं किस प्रकार से उनका पेपर गया है और पूछ लेते हैं। और मैंने ST SC OBC और हैंडीकैप अदर स्टेट जनरल और EWS का जो कट ऑफ जो MPTET का कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं मैं और अब जल्द अपलोड हो जाएगा। 2 लाख डाटा एनालिस हो गए हैं, 50 या 1 लाख को आज लाइव आके मैं 1 लाख को डाटा एनालिस कर लूँगा। पूछ लेते हैं इनसे किस प्रकार से इनका पेपर गया है। मैम, आज का पेपर कैसा था? पेपर कैसा था आज का? पेपर अच्छा था। क्या क्या पूछा गया है? जनरली मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए, ऐसा ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे। टफ नहीं लगा। आपके कितने स्कोर दिए आपने? जी 98 अच्छा 98 150 का तो पेपर ही था। तो EVS में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? बेसिक EVS जरूर थोड़ा टफ आ रहा है सर जी। और हिंदी? हिंदी तो बहुत ईजी आ रही है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना है? नहीं कन्फर्म नहीं करा सर। ठीक है, थैंक यू मैम। सर पेपर था महोदय, पेपर था आपका कितना स्कोर? 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। मैम पेपर था आपका कितना स्कोर आपका? 77। कौन सी कैटेगरी? OBC। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम पेपर था कितना स्कोर? ठीक है, थैंक यू मैम। पेपर था आपका? नहीं आपका था मैम। कितना स्कोर किया आपने? 76। आपने कितना किया मैम इसको? 70। मैम आपने कितना किया इसको? मैम कितना स्कोर किया आपने? आपने कितना किया? 81। आपने? 95। मैम आपने कितना किया इसको? 90। कौन सी कैटेगरी आपको? OBC। कैसा था आज का पेपर? ठीक ठीक था। आपने कितना? 80। मैम आपने कितना स्कोर किया? कुछ नहीं। स्कोर? 5। मैम आपने कितना स्कोर किया? 66। थैंक यू मैम। आपने कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया आपने? सर 92। 92। कैसा था पेपर? ठीक था। मैम आपने कितना स्कोर किया? ठीक है। मैम आपने कितना स्कोर किया? 98। मैम आपने कितना किया भैया? आपने कितना किया? मेरा नहीं। मैम आपका था पेपर? थोड़ा सा सर, थोड़ा सा इधर से आ जाएंगे बच्चे, उधर आ जाओ। मैम आपका पेपर था कितना स्कोर? ठीक है, थैंक यू भैया। पेपर था आपका? पेपर था हमारा। कितना स्कोर? स्कोर की हमको पता नहीं है, बाकी पेपर अच्छा दिया हमने। लाओ एडमिट कार्ड बताओ। नहीं अबे गधा है क्या, बीच में वीडियो बिगाड़ने आ गया भाऊ जी। हाँ भैया पेपर था? हाँ पेपर था। कितना स्कोर किया आपने? 90। कौन सी कैटेगरी? जनरल। जनरल बता सकते हो EWS में किस पर पेपर गया? देखो पेपर का ऐसे लेवल आ रहा है कि जैसे कि MPPolice की एग्जाम हो रही हो। हाँ। जब आपने सिलेबस शो कर रखा है कि आप बाल विकास में ये पूछोगे तो आप उसको मतलब MPPSC का कैसे बता रहे हो? लेवल ऐसा दे रहे हो कि जैसे MPPolice की एग्जाम हो रही हो। जब आपने PBS से हम बात कर लेंगे। थैंक यू। हाँ पेपर 60 नंबर है मैम आपका? पेपर अच्छा नहीं। आपने कितना किया? आपने कितना किया मैम? आपने कितना किया? 93। आप बता सकते हो किस प्रकार किस प्रकार पेपर गया आपका? पेपर ठीक ठाक था। EWS में कैसा गया? EWS में ठीक था। EWS में पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है, थैंक यू मैम। आपने कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया? इसको 90। 90। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। सर आपने कितना? 95। कौन सी कैटेगरी? OBC। लेब में हाईएस्ट आप ही हो गया? नहीं लेब का नहीं बताया सर। अच्छा, कैसा था आज का पेपर? आज का पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल का था। EVS कैसा पूछा गया? EVS और बाल विकास तो टाइट था। और पूछ लेते हैं मैम पेपर था आपका? सर आप ही अभी मैं कितना स्कोर किया? 92। अभी मेरे को हाईएस्ट कोई नहीं मिला। मैम आपने कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? आपने कितना किया मैम? 82। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। आपने कितना किया मैम? 90। आप बताइए EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? EVS में अंतरिक्ष से था। आप ही आई और बता दें EVS में? EVS थोड़ा टफ ही था। और मैथमेटिक्स? सही थी मैथमेटिक्स तो, हिंदी संस्कृत भी अच्छी थी। हिंदी? आप हिंदी में बताइए हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? हिंदी में पेजेस से थे, एक संधि थी और हाँ एक प्रत्यय। अच्छा प्रत्यय था। और संस्कृत में? संधि प्रत्यय और वो भक्ति थी, लकार था। और अपने बात कर रहे हैं CDP के चाइल्ड और पेडागोजी, वो तो टफ था। टफ था। हाँ। क्या क्या पूछा गया उसमें? डायरेक्टली कोई सिद्धांत नहीं पूछा था, डीपली पूछा गया था वो एक रीट का था, रीट का सिद्धांत। आपका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? 102। आज का टफ पेपर था क्या? टफ था। और आपने कितने समय पहले पेपर कर दिया?
पाँच मिनट पास आता था। हाँ कौन सी कैटेगरी बता दें? जनरल। आप जनरल? ठीक है, थैंक यू मैम। आपने कितना किया स्कोर? कितना स्कोर किया आपने? 70। 70 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। आप बता सकते हैं ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? ईवीएस में तो मैं नहीं। थैंक यू। कौन था लड़का वो? अभी इंक्वायरी लेते हैं उसकी। मैम पेपर था आपका कैसा गया पेपर आज का आपका? ठीक ठीक था। कितने स्कोर किया आपने? 93। कौन सी कैटेगरी आपकी? हमारा जनरल में आते राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से हो रहा है। ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस हार्ड था सबसे। अच्छा, हार्ड था। और ये संस्कृत की भाषा थोड़ी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट थी। अच्छा, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू मैम। आपने कितना स्कोर किया? नहीं कोई स्कोर बता दीजिए मैम। आपने कितना किया मैम? कितना स्कोर किया आपने? 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। आप बता सकते हैं ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? वही ओजन वगैरह। अच्छा, ओजन वगैरह। और मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में जो पेडागोजी है वो इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और संस्कृत में? संस्कृत में ठीक व्याकरण से थे। अच्छा, व्याकरण से थे। और व्याकरण में क्या क्या पूछा गया? एक उसमें विभक्ति, आगे आ जाओ गिर जाऊंगा, विभक्ति संधि यही पूछे गए थे। और हिंदी में? हिंदी में तो पेडागोजी ज़्यादा थी और वही गद्यांश। सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी उसमें भी ठीक पेडागोजी। आपके राजस्थान से? नहीं, एमपी से। और लेब में हाइस्ट कितना रहा आपका? शायद 105। 105 था। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम पेपर था आपका? नहीं था। और पूछ लेते हैं मैम, पेपर था आपका? महोदय, महोदया सर, पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? 57। 57 बहुत कम आ रहे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। पेपर था आपका? कितना स्कोर? हाँ कोई हाईस्ट नहीं मिला अभी, 100 से ऊपर वाला। और किस पर सर पेपर था आपका? नहीं पेपर नहीं था। और किसके पूछ लेते हैं आज क्या हाईस्ट? थोड़ा जल्दी चलना बेटा, है ना। पेपर था आपका? पेपर था अभी। कितना स्कोर किया आपने? 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। और आपने? 100। 100? 100? आज क्या आप ही मिलो, थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, इधर। नहीं नहीं आ जाइए, 100 आप ही मिलो मेरे को आज तक, अभी तक का और कोई नहीं मिले। आप भी आ जाओ। कहाँ से? सरवाने महाराज नीमच जिले। नीमच जिले से। बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सीडीपी में ये जिन प्याज नहीं तो कुछ भी नहीं था इसमें। आराम से बोलो। और वो बुद्धि वाला का एक था वो। अभी आ जाओ थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये दिख रहा बेटा। और संस्कृत में थे विभक्ति थी। हाँ? दो तीन विभक्ति ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ? और एक लकार से भी था। हाँ? और संधि में थे। बताओ स्टेप बाय स्टेप, आपके 100 नंबर है। हाँ? तो मतलब आज ही मेरे को आप ही मिले हो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा। मेरे को और कोई नहीं मिला है। हाँ? तो आप अच्छे से बताना, थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से। सीडीपी में क्या क्या पूछा गया? सीडीपी में तो यही थे, मतलब इससे टॉपिक से तो कुछ भी नहीं था इसमें से, जो बुद्धि का ही था बस। नहीं जिन प्याज से नहीं था। अब बात कर रहे हैं हिंदी में, हिंदी में स्टेप बाय स्टेप बता दो आप। हाँ, हिंदी में गद्यांश व्यंजयांश थे। उसमें भी उसमें ग्रामर तो ऐसी कुछ नहीं थी, ग्रामर बेसिक थे, बेसिक ही थी। हाँ, जो सॉल्व हो जाती है। कवित्री के बारे में? हाँ, एक था कवित्री का था शायद, दे रखा था, पता नहीं कवित्री थी। कौन सी कवित्री के बारे में पूछा गया? क्या पता, वो तो तुक्का लगाया। अच्छा, तुक्का लगाया। अब बताइए सर, आपने मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स में इजी था, एक दो क्वेश्चन थे टफ थे। वो एक तो था प्रायिकता से रिलेटेड कुछ था, वो गेंदों का वो था ना। हाँ, और इसमें ईवीएस में? ईवीएस भी ठीक थी, मतलब एक क्रिकेट से एक दो क्वेश्चन क्रिकेट से थे। हाँ? और एक दो आपने कितना? हाँ याद आ जाएगा। आपने कितना स्कोर किया? 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। बताइए किस प्रकार सीडीपी में क्वेश्चन पूछेंगे? सीडीपी में जीन प्याज इनसे तो नहीं थे। हाँ? बस वो तर्क बुद्धि तर्क वाले नहीं से थे ज़्यादा। ईवीएस में? ईवीएस में भी संस्कृत में बता दीजिए। संस्कृत में लकार थी, विभक्ति थी। और मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में इजी थी, जैसा जो सॉल्व हो जाती, ज़्यादा टफ नहीं थी। हाँ, सामान आपने ढाई घंटे में क्या? ठीक हो गया, आधे घंटे पहले हो गया। आधे घंटे पहले दो घंटे में आप पूरा पेपर कर लिया? पेपर कर लिया था मैंने, पर मैं चेक कर रही थी। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? मैथ्स भी इजी थी और संस्कृत भी इजी थी। वो सबसे टफ क्वेश्चन? टफ तो ईवीएस ही है। ईवीएस ही था। हाँ, और आपने रीड दिया था क्या? रीड हाँ दिया था, बिना तैयारी के। अच्छा, बिना तैयारी के था। हाँ, क्योंकि आज हाईस्ट आप ही मिले। क्लियर कर रखी मैंने। तो आपने कौन सी बुक सीडीपी पढ़ी?
सीडीपी नहीं है मैंने तो एक तो ऑनलाइन क्लास देखी थी सीटेट की दी थी ना तब डीके गुप्ता की देखी थी मैंने सीटेट दे रखा वो दोनों लेवल क्लियर है मेरे बच्चों को उपदेश दीजिए किस प्रकार तैयारी करें मतलब ये है कि ईवीएस आउट ऑफ आ रही है तो ईवीएस पे इतना फोकस नहीं करें मतलब और तो मैथ्स से नहीं ईजी है तो मैथ्स से मैं जितना कवर हो सके उतना कर सके मैथ्स से तो हमने नंबर दिलाती है वैसे भी तो थैंक यू आपका हो गया ना आप मैम आपका पेपर था हो गया कितना स्कोर किया आज कितना स्कोर आपका 87 कौन सी कैटेगरी आप एससी कहाँ से आप मैं वहाँ दोरवाड़ा से मंदसौर जिले से बताइए सीडीपी में किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे सीडीपी में समझ में ही नहीं आया कुछ और ईवीएस में ईवीएस में तो चिट्टी के मतलब चिट्टी का घर घर को क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन था एक मनवीर सिंह कौन से खेल से संबंधित है वो वाला था और ऐसे ही थे मतलब ज़्यादातर एक अंतरिक्ष से था अंतरिक्ष भी था और हिंदी में हिंदी का सरल था हिंदी का सरल था और इसमें संस्कृत में संस्कृत भी सरल ही था मैथमेटिक्स मैथ्स भी अच्छी थी सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा आपको सबसे टफ मेरे को बाल विकास और मैथ्स बाल विकास सीढ़ी भी लगा है ना बाल विकास से बेटा ठीक है थैंक यू सर आपका था नहीं सर आपका पेपर था कितना स्कोर है सर 112 नंबर अभी के वेरी गुड सबसे हाईएस्ट आप कहाँ से वापस मैं सर राजस्थान में कहाँ से हो मैं राजसमंद अमेठ से अच्छा राजसमंद अमेठ से हो भैया राजस्थान के आज हैं 112 नंबर के हाईएस्ट हैं आप बताइए रीट में कितने नंबर आए थे आपके से रीट में आए थे मेरे 117 नंबर 112 नंबर 4-5 नंबर का अंतर है बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उसमें ठीक था नॉर्मली था क्या क्या पूछा गया 112 नंबर आपके देखो है तो एक्सप्लेन अच्छे से करके बताना सर यार ये तो सब इतने तो वो फास्ट चला दो इतने फास्ट तो होता है पर थोड़ा कोई कांसेप्ट बता दीजिए एक बार कांसेप्ट ठीक था इसका और साइकोलॉजी भी ठीक था क्वेश्चन और संस्कृत ठीक थी स्टेप बाय स्टेप पूछता हूं और कोई क्वेश्चन आ रहा सीडीपी में याद आ रहा कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछेंगे कुछ हिस्ट्री में तो टफ क्वेश्चन थे संस्कृत में संस्कृत बताइए संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे संस्कृत में जनरली जो उसके पद्यांश गद्यांश के क्वेश्चन पूछे वो एकदम इजी थे अच्छा मतलब रेट के मुकाबले ये सरल था पेपर और हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में तो बस एक दो रविंद्रनाथ टैगोर के क्वेश्चन पूछे गए और गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन है संधि विच्छेद ये पूछे गए थे कोई सिलेबस में चेंजिंग लगा आपको कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है अब ईवीएस की बात करें ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ईवीएस में इंडियन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए बस ये थे साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए साइंस में सर एक तो सर जैव विज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछे थे कचरा संबंधी औद्योगिक अपशिष्ट संबंधी क्वेश्चन पूछे थे और वो क्या है वो याद नहीं है इतने एग्जाम प्रेशर भी रहता है अपनों को जी सर आपने मैथमेटिक्स में किस प्रकार किया मैथमेटिक्स ठीक ठाक सर क्या क्या पूछा गया इसमें सर लघुतात्मक क्वेश्चन पूछे गए थे और सर मैथ्स मेरे को आती नहीं सर कुल मिला के मैथ्स में कमजोर है इसलिए आपने 2.5 घंटे में कितने समय पहले पेपर कर लिया था मैंने सर कर लिया था 20 मिनट पहले कर लिया था आपने सीडीपी कौन सी बुक से पढ़ी मैं तो सर राजस्थान की ही पढ़ी सर अच्छा राजस्थान की सीडीपी पढ़ लिया वही पढ़ी बस और इनसे यूट्यूब से देखता रहा वीडियो इनके बस यही और आप किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आगामी एमपीटेट एस्पिरेंट को बस यही सर की तैयारी अच्छी होनी चाहिए बेटर बस इसके लिए 6 मंथ चाहिए तैयारी के लिए ठीक है सर थैंक यू आपका हाईएस्ट आप सेंटर टॉपर हो आप बिल्कुल सर आपका था पेपर भैया पेपर आप अब है हाँ आपने मैम आपने कितना स्कोर किया 88 थोड़ा इधर कौन सी कैटेगरी से आप जनरल से तो कहाँ से आप राजस्थान बेगू से आए हो तो सिटी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे बताइए मतलब ये परिभाषाएं थी एक दो किसी की भी मतलब ठंडाई वगैरह की जो मतलब अवस्थाएं होती है ना उनके बारे में भी थे एक दो प्रश्न और संस्कृत मुझे थोड़ी टफ लगी हालांकि उसमें प्रत्यय था संधि थी समास था और बाकी हिंदी में भी यही आए थे क्या क्या पूछा गया हिंदी में मतलब पेडागोजी थी और उससे संबंधित प्रश्न थे वो मतलब बालकों के पेपर कैसे क्या पढ़ाना वगैरह ये थे और बाकी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स मतलब अनुपात के थे आयु के थे यही थे बस उसके अंदर ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ईवीएस में मतलब एक तो अंतरिक्ष का आया था उसके अध्यक्ष पूछे थे वो और बाकी दूसरे थे पर्यावरण संबंधित थी वो मतलब पेडागोजी भी थी उसमें आपने 2.5 घंटे में कितने समय पेपर मेरे पूरे 2.5 घंटे हो गए पूरे 2.5 घंटे हाँ आपके लेब में हाईएस्ट कितना लेब में हाईएस्ट 102 थे 102 हाईएस्ट जी 112 वाले नंबर पे मिले और आप किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हैं आगामी एमपीटेट एस्पिरेंट को मेरे को लगा शायद तब था पेपर हालांकि अगर बुक से टाइम मिला नहीं हमारे को तो नहीं किस प्रकार तैयारी करें आगामी दो तीन दिन बचे तो क्या अंतरिक्ष से प्रश्न आ रहे रोजाना आ रहे तो उसको पढ़ लो
उसके अलावा अगर इसमें पर्यावरण में मतलब योजनाएं वगैरह हैं इनको पढ़ लो अगर वो, तो बाकी तो और क्या पढ़ेंगे इतने दिन में। अच्छे से अलाइव दिया आपने, और पूछ लेते हैं किस प्रकार से, थोड़ा सा इधर आ जाओ। पेपर था आपके सीमा गर्ल्स नहीं कॉलेज गर्ल्स, मैम आपका पेपर था कितना स्कोर किया आपने? आई एम आई मैम, आप भी आई 87, आप भी आई मैम, आपका कितना स्कोर किया आपने? 70। थोड़ा इधर आ जाए, ट्रैफिक क्या आ गया। 77। आप कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। आप कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कहाँ से हो आप? पालसोड़ा। अच्छा पालसोड़ा से हो, मतलब नीमच जिले से हो ना आप? कहाँ से हो? पालसोड़ा से। पालसोड़ा से, नीमच जिले से, बिल्कुल मेरे गाँव से हो आप। बताइए सिटी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? क्या सर? आप भी बताओ प्रश्न थे। हाँ। वो मतलब ऐसे नहीं थे, सरल नहीं थे, बहुत से थे। और संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? आपका बैकग्राउंड क्या, सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन लगा आपको? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत बताइए एक्सप्लेन करके आपको क्या लगा? सर वो सही थे सब, अच्छे वाले। आप बताइए संस्कृत में किस प्रकार, थोड़ा सा इधर संस्कृत में। संस्कृत में वो उससे ही गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड। और हिंदी में? हिंदी में भी उससे रिलेटेड थी और थोड़ी बहुत पेडागोजी थी। अच्छा पेडागोजी। और ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में भी पेडागोजी ही ज्यादा थी। अच्छा पेडागोजी। ईवीएस में एनवायरनमेंट पर्यावरण अध्ययन। हां उसमें पेडागोजी। और क्वेश्चन खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए? खेल से संबंधित दो थे शायद। आप बताइए ईवीएस किस प्रकार? हां उसमें भी कठिन से ज्यादा सारे। ठीक है थैंक यू मैम। मैम पेपर था अभी नहीं, और पूछ लेते हैं, और तो सबने दे दिया, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। रुक दो इसको, रुक गया, थोड़ा सा उधर पूछ लेते हैं एक भैया, और एक दो बहनें वगैरह भी खड़ी है। तो भैया पेपर था आपका? नहीं मैम पेपर था आपका। चलो आपने कितना स्कोर किया? चालू आपने कितना? 60 है। 60 है। आपने कितना? 89। कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। कहाँ से हो आप? अठाना झावत से। अच्छा नीमच जिले से। हाँ एमपी से हो ना। बताइए सीडीपी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? सीडीपी में कुछ ज़्यादा ही टफ था, पियाची के बारे में नहीं पूछा गया, बस दो तीन बहुत टफ ही था आज का पेपर। अच्छा टफ। और ईवीएस में एक दो क्वेश्चन ही थे आए थे इसके, अंतरिक्ष के बारे में, वायुमंडल, पशु पक्षी, खाद्य के बारे में, और मैथ्स तो ठीक ही थी, और हिंदी में हिंदी भी ठीक ही था, पर उसमें कुछ संधि और समास के बारे में घुमा के पूछा गया बस। थैंक यू। सर पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? ज़्यादा नहीं हुआ यार। कितना है? 102। 102। आइए ना तो सर उधर ही थोड़ा, 102 नंबर अच्छे नंबर है यार। हाँ। इतनी देर कहाँ थे खड़े हो गए? कौन सी कैटेगरी? आइए ओबीसी। ओबीसी से 102 वाला भैया मिले हैं मेरे को, और 112 वाले भी हैं, वो सेकंड टॉपर यही है, और ये थर्ड नंबर 100 मिली। कहाँ से सर आप? मैं मल्हारगढ़ से, मतलब नीमच आपने मंदसौर जिले से, जिले से। तो कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी। और कितने? 102 नंबर आए ना? 102। तो बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सीडीपी में मतलब वही क्वेश्चन है जो मतलब अपन मेंटली बेस्ड कर सकते हैं, अपन वो ऐसे रटे रट्टू तोते नहीं चलेंगे। अच्छा रट्टू तोते नहीं चलेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे बताइए? उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आया था मैथ्स में। हाँ। उसके बाद एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल सही। और एक वो सेवंथ क्लास में क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन दे देंगे बहुपद, और बहुपद में से एक और बहुपद घटाइए, वो वाला था। और देखें अपन इसमें तो ईवीएस में बताइए ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन? ईवीएस में ये पूछा था कि सबसे लंबी झील कौन सी? अच्छा सबसे लंबी झील। और तो अब याद नहीं रहे सर। अच्छा याद नहीं रहे। हिंदी कैसी पूछेंगे? हिंदी ठीक है लेकिन पेडागोजी थोड़ी सी। हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या क्या पूछा? हिंदी में एक तो गद्यांश पद्यांश से ही था। सही। और उसमें से जो प्रत्यय पूछा था एक शायद। अच्छा, प्रत्यय पूछा। और संस्कृत में एक सन प्रत्यय पूछा था। अभी सन प्रत्यय क्या है? सन प्रत्यय ये तो मेरे को ही नहीं पता यार, क्योंकि संस्कृत वो तो समझ में नहीं आया, तो वो छोड़ दिया मैंने। हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, संस्कृत मैथमेटिक्स में ही मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ। और जैसे अपन संस्कृत में जो वो पेडागोजी जो आ रही ना, वो थोड़ी सी लेवल की पूछ रहे, मतलब पेडागोजी ये है कि क्वेश्चन पढ़ लो समझ में नहीं आता है कि मतलब प्रश्न क्या है। ढाई घंटे में आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया था? मेरे तो एक घंटा बच गया था। अच्छा एक घंटा, मतलब डेढ़ घंटे में आपने डेढ़ घंटे में पेपर कर लिया था। एक घंटे से बैठा रहा, फिर आधे घंटे। सिंपल पोर्शन कौन सा लगा आपको?
सिंपल माने तो ये हिंदी संस्कृत ही है क्योंकि इनमें गद्यांश पद्यांश से आ रहे, बाकी तो फिर सब मैथ्स भी इजी है। अच्छा, मैथ्स में क्या क्या पूछेगा, स्टेप बाय स्टेप करके बताइए आप। स्टेप बाय स्टेप देखो, मैंने तीन तो क्वेश्चन बता दिए आपको, है ना। अब उसके बाद देखिए अपन तो अनुपात वाला था, दो आयु के क्वेश्चन थे, दो आयु के क्वेश्चन थे। रेखा गणित से कोई क्वेश्चन बना? रेखा गणित से नहीं था सर। आप किस तरह एम्पिटेड एस्पिरेंट को उपदेश देंगे? देश तो क्या है, मैं भी दिन रात पढ़ा पर कोई मतलब नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? मतलब नहीं, मतलब है 102 नंबर आए, मतलब वाले नंबर आए। नहीं मतलब कम है नंबर तो। कितने नंबर आए? और किस प्रकार तैयारी करेंगे बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू, आपके अच्छे नंबर, 102 नंबर, सेकंड टॉपर हो। सर पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 99। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी जनरल है। जनरल, कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान से हो। सी डी पी किस प्रकार पूछ ली? मतलब मेरे को तो टाइट ही लगा। क्या क्या पूछा गया सिटी पे? ऐसा मेरे को याद नहीं है, मैं पता नहीं चलता। टीवीएस में विक्रम साराभाई का क्वेश्चन आया था। अच्छा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष वाला। अंतरिक्ष वाला और इतना याद नहीं है मेरे को। शिक्षण विधियाँ अच्छी टाइट आई थी। अच्छा, शिक्षण विधियाँ। और पूछ लेते हैं। और मैम पेपर था आपका? मैम आपका था पेपर था ना अभी? तो कितना स्कोर किया आपने? ये थोड़ा इधर आया, ट्रैफिक है। कितना गया? 70। कितना कितना? कौन सी कैटेगरी? एसी। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, आज ईवीएस में अंतरिक्ष के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक क्वेश्चन ही था। और संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? संस्कृत में अच्छे थे, एक अटपटी गंध्यास था और एक गद्य पटस था। और हिंदी में? हिंदी अच्छी थी। हिंदी भी अच्छी पूछी। क्या क्या पूछा गया हिंदी? आज सब ईजी था। ईजी था। और मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स भी ईजी थी। तो सीडीपी किस प्रकार पूछेगी? सीडीपी में कोई क्वेश्चन याद आ रहा आपको? नहीं याद तो नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन बन जाते हैं अगर अपन करते हैं। इसमें हाईएस्ट कितना था? 102। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ पूछ लेते हैं। एक दो मैम वगैरह भी है तो अंदर। रोक दो इसको, रोक दो यहीं पे। हाँ, सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? जो सिलेबस में था उसी अकॉर्डिंग पूछा। अच्छा, उसी अकॉर्डिंग पूछा गया। और ईवीएस में? ईवीएस में अलग था, वो जो अपने नॉलेज बेस पे पूछा था। अच्छा, नॉलेज बेस था। और अपने मैथमेटिक्स किस प्रकार पूछी गई? मैथमेटिक्स में एज वाले ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, एज वाले ज़्यादा। और इसमें संस्कृत? संस्कृत तो अच्छी थी। संस्कृत हाँ, लकार वगैरह पूछे थे और अच्छी थी। थैंक यू। और देख लेते हैं, और पूछ लेते हैं किस एक दो भैया। और आज का पेपर भी थोड़ा टफ था, 112 हाईएस्ट मिले मेरे को सेंटर पर, और 105, 105 के बाद 102 और 100 एक गर्ल्स मिली हैं, और राजस्थान के टॉपर ही हैं भैया, 112 नंबर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा। मैंने कट ऑफ बना दिए जनरल, EWS और ST, SC, OBC, हैंडीकैप और अदर स्टेट की कट ऑफ बना चुका हूँ। आपके सामने वीडियो पेश हो जाएगा जल्द, जितना से जितना हो शेयर करना आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।